चीख मार जोर से। हाँ चल रहे, लगा जोर से आवाज, और जोर से। सुने नहीं आया मुझे, सुने नहीं आया, चल ना लाख, चल और जोर से लगा। हाँ और जोर से, और जोर से लगा पूरी ताकत। ले लूं जोर से बोल। चीख मार जोर से। हाँ चल रहे, लगा जोर से आवाज, और जोर से। सुने नहीं आया मुझे, सुने नहीं आया, चल ना लाख, चल और जोर से लगा। हाँ और जोर से, और जोर से लगा पूरी ताकत। ले लूं जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। हाँ चल मौका दे रहे हैं, आवाज लगा। हाँ कहाँ से पकड़े थे तुझे, तोड़ता हूँ तुझे, जला को राख कर देता हूँ। चल हाँ बोल, कहाँ से आया था? शमशान खबरस्तान। जोर से बोल, जोर से, टाइम नहीं है मेरे पास। जोर से, कहाँ से आया था? अच्छा खबरस्तान से लाए थे, और इसके घर में भी करे अम्मा बहनों को किसको? ये बच्ची को जादू करते सो वक्त क्या लेके गए थे? इसका बाल, चप्पल, मट्टी, कपड़ा क्या लिए थे? कपड़ा। जोर से बाल, जोर से। क्या लिए थे? दुपट्टा। क्या लिए थे? दुपट्टा। अच्छा दुपट्टा लिए थे। दुपट्टा कौन से कलर का था वो? क्या लिए थे? गुलाबी कलर का। गुलाबी कलर का लिए थे। अच्छा कितना वक्त होगा वो लीजा को इसका कपड़ा? डेढ़ साल हो गए। अच्छा और कुछ लिए थे क्या बच्ची के? बाला, चप्पल, दुपट्टा। अच्छा जादू करे सो दुपट्टा कहाँ डाले? शमशान में, खबरस्तान में? खबरस्तान। अबे जोर से बोल ना लाया। हाँ आवाज लगा के बोल जोर से। हाँ बोल रहे। जादू कहाँ से करते? कौन से गांव का कब्रिस्तान था वो? हाँ जोर से बोल। क्या पूछा? मैं जवाब नहीं तुम्हें अभी चीर दूंगा मैं। कर्नाटक का गांव था। गांव का नाम अयनल्ली। अच्छा क्या रे ऐसा नाम बता गांव का। हाँ और दूसरी बात, वो इसे घर में से अम्मा को, भाई को, वो दूसरे बहना भाइयों को क्या क्या करे सो? सही बोल, गुस्सा आएगा झूठ बोला तो। हाँ जला के रख कर दूंगा, झूठे बात करो सो। हाँ खाली इस कुछ करे। क्या नाम है बच्ची का? ये सलमा। ये पीछे से ले। सलमा का क्या लेको गए थे जादू करते हुए? डबल से बोले, एक बार जोर से। कौन से कलर की? अच्छा और एक सवाल मेरा, एडवांस के जवाब देना नहीं, मैं अभी नाम नहीं पूछा, मैं आगे नाम पूछूंगा लोगों के। अभी नाम बोला तो कतर डालूंगा। मुझे बता ये जिसने भी हरकत करा सो कौन है वो? इसके माँ के खानदान के है क्या, बाप के खानदान को है क्या, फिर दोस्ताने के लोग हैं, कौन है? इतना जो बोल खाली, दोस्ताने के, माँ के, बाप के, किसके खानदान के, किधर के? जोर से बोल। बाप। ये हथा डर है पीछे से, जोर से बोल। बाप के खानदान के। बाप के है। अच्छा औरत मिले वाली है, आदमी मिले वाले है क्या? खाली औरत आदमी कौन है जादू करने वाले? दो तीन है। अच्छा
और एक मेरा सवाल, तुझे ताकत कहाँ से मिल रही इसकी जान लेने के वास्ते? अम्मा से क्या पूनम से? अम्मा को तुझे ताकत मिल रही क्या? पूनम को मिल रही है? अच्छा अम्मा को कर रहे थे, ठीक है। और एक बात के इसको मारने का कब है अम्मा में पूनम में? ये लड़की को क्या नाम है इसका? सलमा को कब मारने का अम्मा में पूनम में? सलमा की जान लेने का है ना, तो इसकी जान कब लेने का है? अम्मा को लेने का है कि पूनम को लेने का है? हाँ, फिर क्या क्या करना है? अभी तड़पा तड़पा को जान तो लेने का हुक्म दिया ला, तुझे मुद्दत तो बने आ लिए, मुद्दत की डेट कब की है वो बोल। हाँ झूठ बोलता नहीं, नहीं झूठ नहीं बोल सकता तू, ऐसा तड़पाने के वास्ते नहीं आ सकता, ऐसा इजाजत इतनी है अमलियात की दुनिया की, कानून कायदे के खिलाफ बात करता नालायक, जबान कतरने लगा दूंगा अभी। बता नहीं, तो लास्ट में इसको कब मारने का था? अम्मा से पूनम ने जो पूछा उसका जवाब दे सीधा, झूठ बोलेगा तो कतर दूंगा। जोर से बोल, जोर से क्या? अम्मा से अच्छा मुद्दत लेने की थी इसकी अम्मा से जान, तो लड़की को कैसा मारने का था? सुसाइड करा के, एक्सीडेंट करा के, या जला के, गिरा के, कैसा मारने का था? जोर से बोल, जोर से सुने नहीं आ रहा मुझे, जोर से बोल। सो गए जगह को गल्ला दबा को मारने का है, सांस रुका को उसका दम घोट को। अच्छा इसको जादू करे सो, वो लोगों ने किस चीज में लाके खिलाए थे? मिठाई थी, चावल थे, सालन थे, चावल थी, दाल था, क्या था, बघारा था? इनडायरेक्टली हमला करे, ठीक है चलो। हाँ क्या क्या लिख रहे थे? अच्छा फोटो ली जाको, हाँ ओढ़नी फोटो। और एक बात सही बोल, उसके माँ बहन भाइयों से क्या करे सो? माँ बहन भाइयों को बच्चे शादी के बाद बच्चे के साथ दोनों का एक साथ मर जाना। अच्छा ए छोकरे इसके रसम हुआ क्या? जबान गई के पेट में रसम हुआ मरे दोनों भी मरना बोल रहा हूँ, रसम होने के बाद शादी होने को बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा है? दोनों को मारने का शादी होने को, जोर से बोल, सुनने नहीं आ रहा मुझे। अच्छा जोर से बोल, इतना दम से बोलता क्या नाला? हाँ तो घर में हाजिर हुआ कह रही है, क्या बोल रहा था घर में? घर में हाजिर हुआ, वो दरगाह में लिखे गए से हाजिर होता, करेक्ट रात के टाइम में सताना शुरू करता है, फिर सहाते जबान कतरे जाती, फिर सहाते जबान कतरे जाती, फिर सहाते घर, फिर सहाते। सवाल जवाब कहीं हुए क्या ऐसे? सवाल जवाब होते जातन बोलता। हाँ मौलानाओं को स्वामियों को किसको बताया? नहीं नहीं दरगाह में सिर्फ मौला बाबा की दरगाह है, जैसे सैलानी बाबा की दरगाह है वैसे ही मानते हैं, उनके मुरीद है, मुरीद की दरगाह है। क्या बोला वहाँ पे सवाला? सवाला अब ये जो बोल रहा ना इनके भाव थे, नाम नहीं पूछा मैं अभी, नाम आगे पूछ। हाँ सीधा बोल, क्या बोला? करे सो है इनको चढ़ा दिए, नामा तो 50 नामा बोलता हूँ, नाम के ऊपर बहुत, तो वो अभी नहीं रहते नामा, आगे जब पकड़ में लेने के बाद कट के देने के बाद जब बोलेगा ना सही, कब जा रहा हूँ तो अभी जा रहा हूँ बोलता, भी जा रहा हूँ बोलता, फिर रात को वापस आ जाता हूँ, फिर रात में कंपल्सरी सतर्कता, ऐसा दड़ा ऐसा दड़पा था पूरा रात में, नींद आराम अम्मा बाप शुगर के बीपी के पेशेंट आए पूरे। ये कौन है छोकरा तुम्हारे खानदान का है? जी हाँ हमारे फूफू का बेटा ही है, फूफू का बेटा ही है। तुम्हारे को मैं पहले बोला मुंह को दस्तिया बन के बैठो, तुम टेलीकास्ट हो रहे। रात भर ऐसा सताता हूँ, वो तो माँ बाप हैबत खाना उन लोगों को पिछले हो जाना है, आपसे बात कर रहा हूँ बोलते मैं याद आया वीडियो लेकर रख ली, मैं बताइए बताइए आपसे बात नहीं। तो मस्तियाँ चल रही इसके आपके यहाँ? अरे मस्तियाँ चल रही है, क्या करना और तेरे साथ, अब काट के डालो जमीन में, बोल जा रहा बोल रहा, जा रहा नहीं कैमरा में दिखला रहे, हाँ बोल रहे हाँ जा रहा सीधा
सच तू हर जगह बोल रहा और वापिस आ जा रहा, अभी जरा तुझे बताएंगे ना सर हम फटके देने के तरीके तुझे। तेरा क्या भरोसा भाई तू वापिस आगा फिर तो? हाँ क्या भरोसा तेरा? भरोसा नहीं तेरा, भरोसा नहीं कुछ भी, फिर आ गया वापिस तो? पकड़ रहे उसको जरा, दो मिनट रोक रहे उसको जरा। अरे सॉरी कहाँ गई, आधे मिनट में चुक रहे यहाँ से। बोला आता वापिस, वापिस आता। अरे पायर पायर नहीं पढ़ने का, आता वापिस आता। आता वापिस दोबारा, कैमरा चालू नहीं करता छोकर। हाँ आता दोबारा, तोबा कर मुंह पे हाथ मार दोनों, जोर से बोल तोबा तोबा। सुने नहीं आया मुझे, लाओ उसको काट के भस्म करेंगे। बोला सुने नहीं आया, जोर से जोर से। हाँ तोबा तोबा, चीख मार जरा, तोबा चीख मार के तोबा, नहीं तो हाथ दे दे हम आपको। मैं तो कभी भी तोबा, गलती हो गई मेरी, माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। चीख मार के बोलना पड़ता, तौबा। शैतान है तो शैतान की उतनी ताकत लगाना पड़ता। तौबा, बाबा नहीं आता कभी। सुने नहीं आया, इतना सब तौबा रहता है तो इंसान के जैसा तौबा है। चीख मार के तौबा बोल, तौबा नहीं आता बाबा। नहीं नहीं सुने नहीं आया, सुने आया। चलो पकड़ो उसको, जला के राख करने की तैयारी। तौबा तौबा, चीख मार के बोल, पूरी ताकत लगा के ना लाया। तौबा बोल, घर को जाएगा वापस? जा रहा हूँ बाबा तौबा। तू जा रहा मगर लड़की के आंग में आएगा क्या दोबारा? नहीं आता कभी भी, नहीं आता कसम से। हाँ कसम खुदा की नहीं आता हूँ बाबा। शादी तोड़ूंगा उसकी? नहीं तोड़ता हूँ। जान लेगा उसकी? नहीं लेता हूँ बाबा। घर को फिर वापस जाता? हाँ जाता हूँ। किसके घर को, तेरे के छोकरी के? मेरे घर को जा रहा हूँ बाबा, कभी भी नहीं आता हूँ। नहीं तेरे बाबा मेरे, माफ कर दे एक बार। सुना नहीं आ रहा मुझे, एक बार माफ कर दे बाबा। हाँ, सुने नहीं आ रहा मुझे, एक बार माफ कर दे, अगली बार कभी भी नहीं आता हूँ, खुदा की नहीं आता हूँ। फिर तो चले जाएगा उसे घर को, तो क्या भरोसा तेरा? और बाद में बोलेगा जादूगर ने भेजा मुझे मार के वापस। नहीं तू मुझे जादू, तू आएगा रिटर्न, बाद में बोलेगा मेरे को जादूगर ने भेजा रिटर्न। तू आएगा भी रिटर्न तो तुझे वापस जाना पड़ेगा, आ तो नहीं सकता तू वापस उसके आने में। आता और जादूगर अगर बोला भी तुझे जा, तो मैं जादूगर किस घर में घुसना है किसके, समझ गया ना? हाँ बाबा। मैं तो जला के ले लेता मैं तेरे, हाथा ने तो गर्दन काट को बाहर टांग देता। क्या दे रहा बोल, हाथा दू क्या गर्दन दू? क्या इज्जत से जा रहा छोड़ को बच्ची को? इज्जत से जा रहा। जोर से बोल, इज्जत से जा रहा। बात जोर से करने नहीं आ रहा बाबा, जबान जल्दी भी। हाँ जबान लग जबान खा दी है बाबा पूरी। लड़की का मुंह टेढ़ा करेगा जोर से बोल, नहीं कर दो। जोर से बोल, नहीं कर दो। जोर से नहीं। चल तो बाकर मुंह पे हाथ मार के तौबा, तौबा कर, तौबा तौबा, माफ कर दो बाबा, गलती हो गई बाबा, माफ कर दो बाबा। क्या हाथा ले लूं तेरे दोनों काट को? एक हाथ दे देना, अरे एक ले लेता मैं, ले लूं तो बाबा। हां अगर तू रिटर्न पलट के आएगा उसके आंग में, जान ले लो मेरी। घर को जाकर सत्य में दोनों हाथ आना, फिर बाद में तू कुछ नहीं बोल सकता। हाँ फिर मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, मैं फिर होना भस्म करता हूँ पूरा, समझ गया? जा छोड़ उसको बाहर, जा जा बाहर, जा रास्ता खुला है, जा बाहर, छोड़ के जा, छोड़ के देख रहा हूँ, अब भी देख रहा हूँ सब। जा छोड़ के, अरे पैरा मेरे क्यों पड़ रहा नाला, जा अस्तग़फ़िरुल्लाह, छोड़ उसको निकल। पानी डालो इसमें और थोड़ा, थोड़ा उधर बैठो, दूर दूर थोड़ा सरको, उधर पिला रहे उसको पानी। कैमरे वाले उधर जाए, मेरे तरफ क्या बाबा। देखो ये जो मामला है, ये जो इसको शह लगे वाली है, ये जो भी बलाए खुद में खुदाई वाली नहीं है, इसको ला के जागरूक करके उठा के ला के छोड़ते, उसको शमशान या कब्रस्तान से जागरूक करना उनकी जबान में बोलते जादूगरों की दुनिया में जो भी है, तो और उन्हें क्या करता उठाता उसको उठा के लाके इंसान की उसकी थ्योरी बता रहा हूँ मैं दिमाग को, ताकि तुमको भी समझ में आना क्या मामला चल रहा है। छोड़ देते हैं, फिर वो क्या करता उसको जितनी ड्यूटी दी उतना काम करता हो,
वापस आता, कमजोर करता, खून पीता, सब वो हरकतें करता, पूरा पेशेंट को निचोड़ देता, वापस भाग जाता, जाके छुप जाता जी डेफिनेट प्रॉब्लम, उसका खेल चलते रहता। और उसमें उन्हें क्या करता, पेशेंट को पूरा निचोड़ डालता। फिर तुम उसको कहीं लेके गए, वो कहीं दरगाहों पर लेकर गए, बोलते वहाँ पर हाजिर हुआ, हाजिर होकर वहाँ पर हजार बार बोला कि मैं जा रहा हूँ, फिर वापस आ जा रहा, जा रहा हूँ, फिर वापस आ जा रहा। तो क्यों वापस आता? वो एक बार बोल दिया चले जा रहा हूँ तो फिर वापस आना नहीं चाहिए ना उसको। तो उसकी थ्योरीज ऐसी है कि वापस इसलिए आता कि उसको अंदर अटके वाली दवा रहती, लोग चिमक का सा लोहे को खींचता, बस अंदर अटके वाली वो जो दवा जागरूक करके लाके जो छोड़े आई थी उससे वो अटेज रहती। लोग चिमक का सा लोहे को खींचता वो तुम्हारी सिम दूसरे सिम का कैसा नेटवर्क खींचती, वो जो भी सेटेलाइट एक्स वाई जेड, तो वैसे तरीके से उसका भी नेटवर्क करता, वो उसको खींचता वापिस और उसको खींच के फिर अंदर बुला लेता। एक एक मोटी जबान में बोलूँ तो मखनातीस लोहा और लोक चिम्मक और लोहा एक दूसरे को कैसा खींचते वैसा खेल चलता था। अंदर की बढ़िया दवा उसको बुलाते रहती खींच खींच के। तो उसको क्या करना पड़ता अमल के दौरान, बोले अंदर की दवा ऑटोमेटिक कोई चीज़ खिला रहे हम और उसके बाद उल्टी हो रही, बोले तो वो तो एक ट्रिक हो गई, वो उसको नहीं बोलेंगे कुदरत का मौजज़े पक्का मिलाएगी मौजज़े चमत, उसके बाद में करामतें वो रहती अल्लाह की तरफ से, कि जो खुद ब खुद उल्टी होना या खुद ब खुद जुलाब होना, और वो जैसा जैसा निकलेंगे खुद ब खुद होके तो वैसा वैसा उसकी तबीयत फिर नॉर्मल होना चल जाती, वो जो पकड़ है वो ढीली होना चालू होती है, वो जो वारों के वारा जो आते रहते हैं कैच करते रहते अंदर बढ़ के, तो धीरे धीरे जब हज़ार बार बोलने के बाद नहीं जा रहा तो कैसे जाएंगे, खुद ब खुद लगे अला खबीस जिन्ना चुड़ैल वाला रही तो वो एक मिनट में निकल के चले जाती रफा दफा, उसको पाबंद कर दिए चले जा तो चले जाता, क्यों मार खेंगा। बाकी ये जो है तो इसके होशियारियाँ इसके मुँहते बरियाँ इसके इस्टालामे को सब मालूम है, मेरे रात दिन के काम ना मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिकल में कौन जान सकेगा ये बातों को, और मैं तुमको नहीं बताऊँगा तो कौन बताएगा। तो इसलिए मैं को इनकी सारी हरकतें मालूम होती, कहाँ से इनके कैसे तार काट के इनको ख़त्म करना है। और सबसे ज़्यादा इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना लोगों, इबादत की राह को तुमने मजबूती से थाम लिए तो अल्लाह की रस्सी को तुम मजबूती से थामेंगे तो मेरा पाक परवरदिगार और रब्बुल आलमीन तुमको हथेली में रई का दाना रख के अपन कैसा देखते फिर वैसा देखता तुम आपको, और फिर तुम आपको कौन जहमत दे सकेंगे अगर तुम इबादत करते नहीं। हाँ तुम जादू चल जाने के बाद सहर तुम्हारे ऊपर हो जाने के बाद तुम बोलेंगे कि मैं जाके इबादत करूंगा तो यकीनन वो तुम्हारी इबादत में रुकावटें डालते, तुम नहीं जान लेते उस राह पे, रुकाते तुम थोड़ी देर से पढ़िए ना, बाद में पढ़िए ना, अभी जोहर से पढ़िए ना, कल से नमाज पांच टाइम की पढ़िए ना, कल से इबादत करिए ना, रुकावट डालते फिर ज्यादा करीब बेचैन करके भगाते तुम आपको, बेचैन जब चलो बाहर जाने मजा आ रहा है इबादत में मजा आ रहा तो तुम पे ज्यादा हावी हो गए, जैसा बीमारी तुम पे ज्यादा हावी हो जाती तो कैसा तुमको ज्यादा सीरियस कर देती तो वैसा वो तुम पे ज्यादा हावी होगा, तुमको सीरियस कर दिया कि इबादत के नजदीक नहीं जाने देता। इसलिए पहले से तुम इबादत करेंगे, पहले से ही इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो फिर तुम पे वार ये चीजें चल नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत पे थाम लेता ना। और जब अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिए तो फिर ये सात और जमीन और ये आसमानों में गैलेक्सियों में किसकी औकात नहीं है जो तुमको जहमत दे सके, तुम्हारे बाल को भी धक्का लगा दे सके, तुम्हारे तिल बराबर भी तकलीफ दे सके, ऐसा कोई नहीं है फिर। और अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की नहीं ठाना और पूरी दुनिया मिलके तुम्हारे को चढ़ाना चाह रही तो नहीं चढ़ा सकती अल्लाह जिसको गिराना चाहा, तो और अल्लाह जिसको चढ़ाना चाहा उसको पूरी दुनिया मिलके नहीं गिरा सकती, क्योंकि दुनिया वाले ही हर चीज जानदार और बेजान हर चीज पे, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है और हर चीज अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। तुम्हारे सांसे तक अल्लाह के हुक्म के गुलाम है, बड़े बड़े बातें करते बट के हम ऐसा हम वैसा हम तीर अनीर, अबे नाला को रात में सोया तो सुबह नहीं उठ सकता, और दूसरी बात तेरे बॉडी पे खुद के तेरे अख्तियार नहीं है और तू चला दुनिया पे हुकूमत करने ना मखूल, तू लोगों को जुल्म देगा दुनिया पे हुकूमत करेगा, तेरे बॉडी पे तेरा इख्तियार नहीं है, तू रात में कब सोएगा तुझे नहीं मालूम है, दावा नहीं कर सकता तू, और तू सो जाने के बाद उठेगा कब ये भी तू दावा नहीं कर सकता, वो सब कुदरत डिसाइड करती है। तू बड़े बड़े बातें करता ना साइंस मैं ये मैं ऐसा, क्यों तेरे नींद पर तेरा इख्तियार नहीं है, तुझे रात भर करवटे बदलता तू नींद नहीं आती, तुझे पता नहीं कितने बज के कितने मिनट पे तुझे नींद लगेगी, और तुझे ये भी नहीं पता कितने बज के कितने मिनट पे तेरी आंख खुलेंगी, इस पे भी तू इख्तियार नहीं रखता। और तू ए इंसान बड़े बड़े बातें कर रहा दुनिया पे हुकूमत करते मनमाना करते कब्जे, तुझे ये तक नहीं मालूम कि तेरे शरीर पे कौन सी बीमारी
कब्जा करेंगी और तुझे ये भी नहीं पता तुझे तेरे शरीर को बीमारी छोड़ के जाएंगी कब, कितने बज के कितने मिनट पे तेरे शरीर को बीमारी ने घेरी और कितने बज के कितने मिनट पे तेरे शरीर ने वो बीमारी ने छोड़ी, तुझे ये भी नहीं अख्तियार में तेरे, सब वो कुदरत कंट्रोल करती है, वो सब कुदरत के हाथ में है, वो सब अल्लाह की तरफ से, वो उसके मातहत है। और तुम अपने मनमानियां करेंगे दुनिया में, सब हरकत करेंगे, तुम तो भरना पड़ेगा ना, जाके आखिरत में भरना पड़ेगा, दुनिया में भरना पड़ेगा, बहुत राज है। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए तो मैं तुमको बार बार कहता ना, वो अल्लाह वो खालिक वो मालिक और रब्बुल काबा, उसको राजी करो, उसकी इबादत करो, इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो, रहदना सिरातल मुस्तकीम की राह पर चलो, अल्लाह हमको नेक इबादत करने वाला बना और नेक लोगों में शुमार करे, ताकि तुमको मैं बयान नहीं कर सकता आगे की बातें तुम्हारे साथ में क्या आलम होगा मरने के बाद लोगों, अभी तुम्हारे दुनिया चार दिन की चांदनी लग रही, जब बाद में तुम्हारा आँखों से खींची, जब तुम्हारी चले जाएंगा ये सब आलम और रूह तुम्हारी खींच ली जाएंगी, तो फिर तुमको पता चलेगा कि क्या मामला रहेगा वो आखिरत का, वो दुनिया वो खबर के अंदाज, वो सब तुम देख के बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। और अभी तुमको अगर बता दिए खबर का आजाब अगर तुम्हारे ऊपर खोल दिया जाता था तो तुम्हारे औरतों के हमल गिर जाते थे, इतना खतरनाक। और तुम पर अगर खबर का अजाब खोल दिया जाता था तो ना तुम्हारा खाने में कमाने में कहीं में दिल नहीं लगता था, सिर्फ तुम सजदे के अंदर सर रख के इबादत करके अपनी जिंदगी पूरी उसमें खत्म करते थे, तुम सिर्फ सजदे के अंदर खबर का आजाब अगर तुम्हारे ऊपर जरा भी बता दिया जाता था तो तुमको क्या मालूम कि खबर का आजाब कैसा रहता और कैसे कैसे तरीकों से नाजिल, हमारी आंखों को जो दिखता हम वोच मानते और जो नहीं दिखता वो हमारा दिल और दिमाग ऐसी चीज ही इसी अंदर बिठाए वाली अल्लाह ने, वो जब तक देखेगा नहीं मानता नहीं। अभी तुमने खबर का आजाब देखे थे ना बेटा, इसलिए अल्लाह ने तुमसे उजल रखा वो कि अगर तुमको बता देता था तो ना तुम कमाने में ना खाने में ना कहीं में, बता दिया ना इतना हैबत तारी हो जाती थी कि अमल से औरत के हमला गिर जाते थे, खबर का आजाब इतना खतरनाक देखने के बाद। और आम आदमी देख लेने के बाद तो उन्हें तो सजदे में सर रख के पूरी जिंदगी खत्म कर देता था अपनी, और बोलता था नहीं अल्लाह में कोई होना ही नहीं, कोई चीज नहीं होना, मैंने देख लिया बस मेरे को, बस तू मुझ में राज ना, मैं तुझे राज ना, मैं सजदे में चलूंगा और पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के खत्म हो जाऊंगा। तो इतना खतरनाक और इतना गहरा, तुम आपको दो टाइम की दो मिनट की नमाज पढ़नी होती पांच टाइम की, हाँ नमाज को तुमको दस दस घंटे मोबाइल चलाने हो रहा, नमाज के लिए जाना नहीं हो रहा, तुम्हारे को जान नहीं सकते, तुम जंगल में है, तुम ऑफिस में, तुम कहीं फंसे आ रहे, पर वो जगह से भी बैठ के तो इबादत तुम्हारी तुम मुकम्मल कर सकते ना, कहीं पर भी बैठ के कर सकते इबादत, नमाज कहीं पर भी पढ़ सकते, तुम खाली जगह पाक होना, तुम्हारा शरीर पाक होना, तो क्या तुम इतना नहीं कर सकते? बाद में जब तुम पे आजाब नाजिल होंगे, जब तुम आजाबों में घिरेंगे, तो जब तुमको पता चलेगा मरने के बाद कि हाय हाय काश मैं दुनिया में सजदे करता था और इबादत करता था, अल्लाह मुझे एक मौका दे, मैं डबल से जाके इबादत करके आऊंगा, पूरी जिंदगी सजदे में रख लूंगा, फिर बोला जाएगा तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। आज तुम एक आंसू अपने रब के सामने अगर बहा देंगे तो तुमको जो बोले वो अता कर देगा, सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर देगा। और मरने के बाद तुम खून के भी आंसू रो रो के, एक हद रहती है, एक हद रो रो के इंसान के जब आंसू खत्म हो जाते बाद में खून के आंसू निकलते, तो जब खून के भी आंसू रोएंगे तुम तो भी तुम्हारा कोई नहीं सुना देगा खबर के अंदर, क्योंकि तुम्हारे पे लॉक लग गया ना, खत्म होगा तुम्हारे मगफिरत के दरवाजे, तुम्हारे माफियों के दरवाजे, तौबाओं के दरवाजे सब बंद हो जाएंगे। तो बंद होने से पहले वो रहमान और रहीम है, उसके रहम का फैज हासिल करो, उसके रहमत के अंदर तुम उसके रहमत की दरिया के अंदर डुबकिया मार के निकलो। अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलने को अल्फाज नहीं, कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये ऐसे किस्म की ये बलाएँ ये वबाओं से तुम खेलेंगे ये चीज़ों के साथ में, तो एक दूसरे को करेंगे एक दूसरे को ऊपर करेंगे, तो गलत बात है ना भाई, अल्लाह ने तुम्हारे को क्या बोले, अल्लाह है इबादत करो, तुम्हारे पास दो हथियार दिया ले दुआ और बददुआ, किसी के हक में दुआ करो तो वो फकीर बादशाह बन जाएगा और बददुआ करो तो वो सम्राट भिखारी बन जाएगा, रोड पे आके कुत्ते की मौत मर जाएगा, बददुआ में इतना तासीर है और दुआ में, तो तुम वो बात छोड़ दिए, तीसरे रास्ते को लग गए, तुम शैतान के साथ हो गए, शैतान के पुजारी होंगे, जादू टोन होंगे, किसका क्या जिंग, तुम्हारी इबादत रद्द हो जाएंगी, फिर रद्द हो जाएंगी तुम क्या करेंगे। इसलिए मैं तुमको बार बार यही कहता, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो किस्म की बला है ये ऐसी जाने वाली नहीं है, इसकी जो तरीक़ है बता देना मैं तुम्हारा कहाँ और कैसा बढ़ रहा है, कैसा फ्यूज खतरना है उस तरीके से, कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने की, कौन से आए थे, कर्नाटक का नाम क्यों ले रहा तुम, कर्नाटक का नाम चालू रख रहे, कर्नाटक का नाम दूसरा से ले रहा था, ठीक है चलो, फिर हैदराबाद से आए थे और कर्नाटक की तरफ से कैसे हादसा हुआ जो भी है वो आगे तफसील में और सही तरीके से पकड़ में लेके बताऊंगा।
क्योंकि अभी उन्हें किधर की बात किधर भी कर सकता, बाद में जब मेरी फौज उस पर ठेसा बनेगी तो फिर सही बोली ना। चलो रोक बंद।